हम धन्यवाद करते हैं चुनाव आयोग का कि उन्होंने बहुत अल्प समय में हमें जल्दी से जल्दी मीटिंग और कंप्लेंट अपनी दोहराने और बताने के लिए व्यापक रूप से समय दिया। हम आशा और विश्वास करते हैं कि ठोस कदम जल्द से जल्द उठाए जाएंगे। मैं संक्षेप में आपको बता दूं, 17 कंप्लेंट्स हैं हमारी चार्ट में, 17। मैं सिर्फ 3 या 4 के बिंदु बताऊंगा आपको समय बचाने के लिए। सभी बहुत गंभीर हैं और सभी हमारे मूल सिद्धांत जो इस स्वतंत्र भारत के हैं उनका उल्लंघन करते हैं, उन पर आघात लगाती हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि जिसको हमने संवैधानिक रूप से एक पुलिसमैन बनाया है, संरक्षक बनाया है इस पर्टिकुलर क्षेत्र का, अधिकार क्षेत्र का, वो तुरंत ठोस, सही और स्पष्ट एक्शन ले, क्योंकि ये हमारे संविधान के सभी आत्मा के जितने भी प्रावधान हैं उनके बारे में है। सबसे पहले है हमारी कंप्लेंट नंबर 17। इस देश के, और मैं बहुत आदर के साथ कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और मैं वास्तव में उनका आदर करता हूँ क्योंकि बहुत मुखर वक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये वक्तव्य आप सभी जानते हैं, ये उनके ऑफिशियल हैंडल पे छपा हुआ है, प्रकाशित है। ये कल परसों कैंपेन के दौरान राजस्थान में कहा गया। इसमें मैं इसको भद्दा मानता हूँ, मैं इसको दोहराऊँगा नहीं, लेकिन इसके 4-5 तत्व आपको याद दिलाऊंगा जिसको हमने पूरी तरह से चुनाव आयोग के सामने रखा। इसमें एक समुदाय एक धर्म का स्पष्ट नाम के साथ विवरण है, स्पष्ट नाम के साथ। नंबर 2, ये बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो समुदाय इस देश की अल्प रिसोर्सेज को हड़प सकता है, हड़प लेगा, कांग्रेस उनको दे देगी इस प्रकार के अल्प रिसोर्सेज उस समुदाय, उस धर्म को। नंबर 3, उस समुदाय और उस धर्म को घुसपैठियों के साथ बराबर में जोड़ा गया है। ये बड़े स्पष्ट शब्द हैं, प्रकाशित शब्द हैं, आपके सब चैनल्स में हैं, आपके सब प्रकाशन में हैं। नंबर 4, ये कहा गया है कि इसका आघात भारत के हिंदू धर्म के कई जो बहुत स्थापित सिंबल्स हैं, मंगलसूत्र एक उदाहरण है, उस पर आघात हो सकता है। मैं वापस हाथ जोड़कर कहूँगा कि इतने बड़े ओहदे के चीफ एग्जीक्यूटिव इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री, उन्होंने सीधा उल्लंघन किया है, सीधा उल्लंघन किया है 123, जो किसी रूप से धर्म के आधार पर कोई वक्तव्य अलाव नहीं करता है चुनाव के वक्त। नंबर 2, चुनाव आयोग के बारंबार सर्कुलर्स का उल्लंघन है, उसका आखिरी सर्कुलर 2024 का, वो भी ये कहता है कि किसी रूप से, परोक्ष हो या सीधा हो, आप धर्म के आधार पे ऐसा कोई आक्षेप या एक संकेतात्मक रूप से भी, या तो सीधा है, नहीं कर सकते। नंबर 3, उन्होंने भारतीय संविधान की अस्मिता पे आघात किया है। भारतीय संविधान एक गौरवशाली संविधान है जो बोम्माई केस के पहले से कहता है, पहले से, कि धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। मूल ढांचे का अभिन्न अंग होने का मतलब होता है कि संविधान संशोधन द्वारा भी उसको आप नहीं बदल सकते। अगर ये बात है तो आप समतल जमीन के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड, गणतंत्र लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी, ये सब एक अभिन्न अंग है मूल ढांचे के। आप इस प्रकार के आपसी वैमनस्य के वक्तव्यों द्वारा इसको बिल्कुल नॉन समतल, नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे हैं और इसका इलाज सिर्फ चुनाव आयोग के पास है। इसलिए जो आप, और मैं कह रहा हूँ ये, कि इसमें भारत की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमारे संविधान की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री के पद की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमारे चुनाव आयोग के क्रेडिबिलिटी का सवाल है। इसलिए आप वो सब जो करते हैं, जो आम आदमी के विषय में करते हैं,
वो प्रतिबंध आपको लगाना पड़ेगा, चाहे कोई कितना बड़ा हो चाहे कोई कितना छोटा हो, ये देश के एक संवैधानिक अस्मिता का प्रश्न चिन्ह है, पर प्रश्न चिन्ह है। तो ये तो सबसे अहम मुख्य पहली कंप्लेंट। हमारी दूसरी याचिका है, जो आपने तस्वीरें लगाई हैं अपने सत्तारूढ़ पार्टी की ऑफिशियल हैंडल्स में, गुजरात में विशेष रूप से, वो सिर्फ धर्म की बात करते हैं। हमने फोटो दी हैं, आप वो ऑफिशियल हैंडल उठा के देख लीजिए, उसमें सिर्फ धर्म के चिन्ह हैं। हम एक गौरवशाली देश हैं, मैं एक गौरवशाली हिंदू हूँ, ये गौरवशाली सिख हो सकते हैं, ये गौरवशाली ईसाई हो सकते हैं, लेकिन धर्म, धर्म के चिन्ह हम अपने घर में पूछते हैं, हम अपने ऑफिशियल हैंडल में लगाकर उसके आधार पर वोट मांगने नहीं जाते। ये हमारा दूसरा याचिका है, विस्तार से है, फोटुओं के साथ है, व्यापक है। ये उन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन है जो माननीय प्रधानमंत्री ने अपने पहले वाले हमारी कंप्लेंट के विषय में किए। तीसरा एक बहुत ही विचित्र उल्लंघन देखा हमने, जो सिर्फ गैर कानूनी हस्तक्षेप और गलत रूप से दुष्प्रभाव डालने वाला हस्तक्षेप है। हमने कैसा ऐसा कभी सुना नहीं, कभी हुआ नहीं। मैंने अंदर माननीय आयोग को जेम्स बॉन्ड की कहानी बताई कि पहली बार तो तुक्का होता है, दूसरी बार कोइंसिडेंस होता है, अगर वही चीज़ तीसरी बार हो तो उसको शत्रु का एक्शन कहा जाता है। सूरत में ये बात बारंबार हुई है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये शत्रु का एक्शन है। क्या हुआ, एक साथ चार प्रस्तावक कांग्रेस कैंडिडेट के खड़े होकर बोलते हैं कि ये हस्ताक्षर हमारे नहीं हैं, चुनाव के एक दिन पहले ये कहा जाता है। उसके बाद कुछ समय तक जो कैंडिडेट है सूरत से वो भी लापता होते हैं, मिलते नहीं हैं। अब सबसे रोचक, जो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जितने और पार्टियों के जितने कैंडिडेट्स हैं सूरत से, सब विड्रॉ कर जाते हैं। ये ऐसा अजूबा तो हमने देखा नहीं। सूरत का कैंडिडेट इतना प्रभावशाली है कि कोई उसके विरुद्ध खड़े होकर तैयार नहीं। खड़े होने के बाद, नामांकन पत्र भरने के बाद, तो इसलिए हमने कहा है चुनाव आयोग से कि ये आपने चुनाव के धरातल को नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया है, समतल ज़मीन नहीं छोड़ी है। ये चुनाव पिटिशन का मामला नहीं है, इसमें आपका एक ही हल है, ऐसे कारनामों का फ़ायदा ना उठा पाए कोई, इसलिए अति आवश्यक है कि आप स्थगित करें चुनाव सूरत में और चुनाव की नई तारीख दें, जिससे ये संदेश बड़ा स्पष्ट जाए कि अगर मैं इस प्रकार के दुष्प्रभाव से इनको इफेक्ट करता हूँ या इनको इफेक्ट करता हूँ, वोटर हो या कैंडिडेट हो, उसका फ़ायदा मैं नहीं ले सकता। इसलिए इस चुनाव को स्थगित करने की हमने मांग की। पांचवा उदाहरण आता है, हमने कंप्लेंट की है न्यूज़ 18 के एक एंकर चैनल ऑपरेटर जो चलाते हैं प्रोग्राम्स, सूर्य तिलक से राज तिलक नाम से उनका एक प्रोग्राम है, उनको लिखित कंप्लेंट दी है अमीश देवगन के विषय में। आप लोग सब पत्रकार हैं, आप लोग सब यूट्यूब में जाना जानते हैं, आप उनका वो प्रोग्राम देख लीजिए, हमने लिंक दी है चुनाव आयोग को। वो इतना भद्दा है, वो इतना उत्तेजनापूर्ण है, वो इतना आपसी वैमनस्य फैलाता है, वो इतना धार्मिक है, वो इतना गैरकानूनी है, वो इतना धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता के विरुद्ध है कि हमारा पूरा शर्म से माथा झुक जाए। हमने तुरंत प्रतिबंध के लिए कहा है। इसी महान व्यक्ति के विरुद्ध पहले कंप्लेंट्स हो चुकी हैं, निर्णय आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त एक प्रयत्नशील काम हो रहा है कि चुनाव में जितना माइलेज निकाल सको गैरकानूनी काम से उतना निकाल लो, बाद में देखी जाएगी। कि बाद में देखी जाए पे तुरंत प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक है कि इसको रोका जाए, और वो हमने हमारी चौथी कंप्लेंट में किया है। अंतिम बात जो मैंने कही, और मेरे मित्र अभी एक दो और आपको उदाहरण देंगे, जो अंतिम बात मैंने की वो थी कि माननीय राहुल गांधी जी कर्नाटक के उस क्षेत्र में कैंपेन करेंगे जब दूसरा कर्नाटक का क्षेत्र जो है वो साइलेंस पीरियड में होगा। यानी एक क्षेत्र में कर्नाटक में चुनाव हो गए, वो साइलेंस पीरियड में चला गया है, मौन व्रत के पीरियड में, और दूसरे पीरियड में जहाँ की अलग अलग चरणों के चुनाव हैं वहाँ पर कैंपेनिंग अनुमति है, अलाउड है। तो हमने स्पष्टीकरण मांगा है कि चुनाव आयोग
राहुल गांधी जी को उन क्षेत्रों में चुनाव अभियान करने का पूरा अनुमति दें। ये सभी हमारे बाकी 15 या 14 कंप्लेंट्स के साथ विवरण किया है, लिखित दिया है, कंप्लेंट दी है, प्रावधान दिए हैं, फोटोग्राफ दिए हैं, याचिकाएं दी हैं, और उसके बाद अब हम समझते हैं कि ट्रायल पे न ये लोग हैं न हम हैं, ट्रायल पे चुनाव आयोग।